इस वक्त मौजूद है हम कांधार में और यहाँ पर गन मार्केट है। आप देख सकते हो कौन सी गन है। चाचा बंदूक लेके बैठे हुए हैं। देखिए भाई बुलेट प्रूफ जैकेट भी है यहाँ पर। देखिए यहाँ सारा प्रोसेस भी चल रहा है बनने का और ये प्रिंग विंग वगैरह सारा इसमें लगा। भाई एक से एक लेटेस्ट गन यहाँ मिल जाएगी और काफी वजन है। एक 16,000 इंडिया के रुपए 16,000 में भाई बंदूक मिल जाएगी आपको और बहुत सारी है भाई। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो इस वक्त हम हैं कंधार अफगानिस्तान में और एक मार्केट में हैं हम और यहाँ हम ढूंढ रहे हैं गन्स। गन की मार्केट ढूंढ रहे हैं, गन की दुकान ढूंढ रहे हैं। बट रखी वी आर सर्चिंग फॉर गन्स राइट। डू यू थिंक वी कैन फाइंड गन्स हियर। तो भाई बड़ा क्रेजी है, हम लोग कब से ढूंढ रहे हैं, तकरीबन 15-20 मिनट हो गए यहाँ बंदूक की दुकान ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ सुना है कि यहाँ बंदूक मिलती है भाई, आप खरीद सकते हैं। तो चलेंगे देखेंगे भाई कैसा एक्सपीरियंस होता है और आप लोगों को दिखाता है। ऐसा तो दुनिया में मैं भाई कहीं नहीं देखा हूँ। देखिए ऐसे पूछ रहे हैं, देखिए पूछ रहे हैं सबसे कि भाई कहाँ मिलेगी देखने। वहाँ कहीं बता रहे हैं सारा रेट आप लोगों को बताऊंगा भाई। इससे पहले मैं आप लोगों को मार्केट में कपड़े का, फ्रूट का और सारा मतलब नॉर्मल चीजों का रेट दिखाया था, नॉर्मल चीज दिखाया था। मैं अब इस वीडियो में आप लोगों को गन्स के रेट दिखाऊंगा। तो ढूंढते हैं पहले, देखिए भाई पूछ रहे हैं सबसे। तो भाई मार्केट में उतरते साथ हम रोड पे एक चीज मैंने सबसे पहले नोटिस करी कि यहाँ पर एक भी लड़कियां नहीं है। आप देख सकते हो पूरी मार्केट में एक भी लड़कियां नहीं दिखेंगे आपको कहीं पे भी। ये देखिए तो भाई आप मार्केट में लोग ऐसी निगाह से देख रहे कि भाई कौन है भाई वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर। ओह मतलब ये देखिए भाई पहुंच गए मार्केट पे, चारों तरफ है यहाँ पर देख सकते हो भाई। और यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर ये पूरी मार्केट सी है पूरी गन की, बंदूक की। देखिए चाचा बंदूक लेके बैठे हुए हैं। देखिए उम्र हो गई है लेकिन बंदूक लेके बैठे हुए हैं बंदूक की दुकान पे। भाई बंदूक के शौकीन है यहाँ पर लोग। हम यहाँ खड़े जैसे ही आए तो भाई ने पूछा चाय पियोगे, तो मतलब जरूर पियेंगे, पहले चाय पी लेते हैं फिर आप लोगों को सारे मार्केट दिखाता हूँ। ब्रदर बारात गन्स यहाँ देख सकते हो, सारी गन्स रखी हुई है, ये सारी गोलियां भी है इधर और बड़ी छोटी। भाईजान ये कितने की आएगी ऐसी वाली? ये 14,000 12,000 15,000, तो देख सकते हो सारी ऐसी गन रखी हुई है। और ये है 17,000 अफगानी की, ये है टर्की, टर्की में बनी हुई है 15,000 अफगानी की। और छोटी बड़ी सारी गन्स यहाँ देखने मिल जाएगी। देखिए ये पिस्तौल है और मतलब अलग अलग टाइप की कट्ठे हैं भाई। ये देखिए भाईजान अभी पिए बस अभी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भाई जैसा कि आप लोगों को वहाँ पर दिखाया, देखिए वहाँ पर लाइन से दुकान है, यहाँ पर भी। वहाँ पे मैं दुकान पर रुका तो भाई ने चाय पिलाए। और एक और चीज़ आप लोगों को बता दूँ, इस तरफ भी पूरी गन से भाई, ये पूरी बड़ी सी गन मार्केट है। और हमारे नासिर भाई यहाँ पर गन देख रहे हैं, देखते हैं भाई मैं भी ट्राई करता हूँ नासिर भाई तो भाई इस वक्त मौजूद है हम कांधार में और यहाँ पर गन मार्केट है। आप देख सकते हो कौन सी गन है, ये कौन सी गन है, M4 मेड इन टर्की। और यहाँ देख सकते हो मतलब यहाँ एक चीज ये है कि गन मार्केट आप रख सकते हो लेकिन लाइसेंस लगेगा भाई, ये चीज अच्छी है। और देखिए हर टाइप की गन मिल जाएगी ना भैया, ये कितने की आएगी भैया? $200 $200 मतलब होते हैं ये तकरीबन 16,000 इंडिया के रुपए 16,000 में भाई बंदूक मिल जाएगी आपको और बहुत सारी है भाई जी, काफी हैवी है। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा पीछे पूरी गन की मार्केट और दबा के गन रखे हैं भाई, मेरी तो फट रही थी उठाने ही, दैट वाज सो हैवी, दैट वाज रियली हैवी। तो हम इस तरफ जा रहे हैं, वहाँ भी कुछ शॉप है गन की ब्रदर, तो वहाँ भी कुछ दुकानें हैं भाई, तो वहाँ पे चलते हैं देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खेल रहे थे भाईजान? अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पर भी देख सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, यहाँ पर भी गन्स है। आपका नाम भाईजान? नाम हो चीज जनान, अनस मोहम्मद अनस, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। तो यहाँ देखिए यहाँ भी बहुत सारी गन्स है, यहाँ बना भी रहे हैं गन्स भाई। कितने की आती है भाई एक गन? दिखाइए, देखिए भाई ये है पिस्तौल,
पिस्तौल। ये कितने की आएगी भजन? हाँ बहुत हैवी है ये भी भाई। पॉलिश हाँ पेंटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, गन्स की पेंटिंग हो रही है, पॉलिश करके यहाँ पेंट होते हैं। हाँ भैया वजन वजन काफी वजन। हाँ तो देखिए यहाँ सारा प्रोसेस भी चल रहा है बनने का, और ये देखिए स्प्रिंग व्रिंग वगैरह सारा इसमें लगा हुआ है। ये मशीन यहाँ से कुछ कुछ काम होते हैं। ये भाग मुकम्मल मुकम्मल खलास। हाँ तो देखिए ये टूट गई है पूरी, खत्म हो गई है वजन बना। रंग हाँ पॉलिश 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 होती है यहाँ पॉलिश। अच्छा ये रखने के लिए सारा ये बेल्ट वेल्ट बना, बेल्ट ये बेल्ट है सारा, इसमें गन रखते हैं, गन रखते हैं इसमें। हाँ तो देखिए अलग अलग टाइप की है, देखिए छोटी गन का है, बड़ी गन का भी रखा हुआ है सारा, और ये देखिए बड़ी गन का ये है। ओ भाई साहब बिग गन। अच्छा ये बुलेट प्रूफ, दिस इज बुलेट प्रूफ जैकेट। हाँ देखिए भाई बुलेट प्रूफ जैकेट भी है यहाँ पर, सारा पूरा मामला सेट है यहाँ पे एकदम। हाँ विच इज दिस गन नेम, नेम नाम कौन सी गन? पिंजोस का है। पंजोस पचास पचास का। देखिए भाई भाई बताए, एक लाख अफगानी की है भाई, और सारे लोग जो हो गए। और भाई एक से एक लेटेस्ट गन यहाँ मिल जाएगी और काफी वजन है, एक लाख अफगानी में मिल जाएगी। लेकिन ये लेने के लिए आपको लाइसेंस वगैरह सारा इनके पास रहना चाहिए, और काफी अच्छा मजा आ रही है यहाँ पर मार्केट। और भाई ने चाय भी पूछा भाई चाय पीना है वगैरह, और लोग सारे जमा हो गए हैं। तो भाई ये तो ले रहे नहीं, ऑफिस दे देते हैं। भाईजान और देखिए लोग इतने प्यारे हैं ना अफगानिस्तान के कि हमें पूरी सिक्योरिटी दे रहे हैं। बहुत अच्छे लोग हैं भाई। नासिर भाई कैसा एक्सपीरियंस हुआ गन? अच्छा भाई बहुत अच्छे लोग हैं अफगानिस्तान के। अच्छा भाईजान ऐसा कोई भी गन नहीं खरीद सकता है सरकारी? नहीं। अच्छा लोग मिले इतने अच्छे हैं, जहाँ मिलते हैं ना चाय पूछते हैं, बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जहाँ मालूम पड़ता है हिंदुस्तान से है ना, बड़े अच्छे मिलते हैं, चाय पीते हैं। मैं एक बात में जरूर जरूर नाराज हूँ। बोलिए बोलिए। फिल्में बनाते हैं ना हिंदी फिल्में, हम बहुत देखा हुआ है। अच्छा इसमें ये तालिब 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 को क्या बोलता है? ये तरारगर बोलता है। अभी अभी को काचा नहीं लगा। पिछले एक साल से ना सब चेंज हो गया, सब इंडिया में भी ना बड़ा अच्छा बोलते हैं। ये अमेरिका ने इस खातर में ये क्या किया है ना, उसका खिलाफ है ना, खिलाफ है अमेरिका। लेकिन अभी अभी इस वक्त ना हिंदुस्तान में सारे लोग पसंद करते हैं। अभी और कौन का हिजात है ये अभी इधर, और हम सारे दुनिया में अरे आप हमारे भाई हैं, हिंदुस्तान के लोग अफगानिस्तान के लोगों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। चाहे दो जिस्म एक जान, ये हमारे अभी तो ये पाकिस्तान जो दरमियान में आ गए हम दोनों थोड़ा अलग हो गए, लेकिन लेकिन फिर भी इंडिया और अफगानिस्तान एकदम भाई भाई है, एकदम भाई है। और उसका ये बड़ा लोग जो है ना, बुजुर्ग लोग जो है ना, ये एक है, एक है, एक है, बिल्कुल एक है, पूरा वैसा है। हमने तारीख पढ़ा, ये हमने हमारा उर्दू थोड़ा कम कर, हमने सिर्फ फिल्मों से सीखा है। कौन सा हीरो पसंद है आपको? वाला सारा हिंदुस्तान का सारा अदाकार हमारा पसंद है, और गुलकार जो है ना शाहरुख खान सलमान खान, ये तो अफगानी है वो तो। शाहरुख खान शाहरुख खान आपके अफगानिस्तान में? शाहरुख खान दूसरा शाहरुख खान, शाहरुख खान वो भाई शाहरुख खान जैसे दिखते हैं। तो देख सकते हो कितने अच्छे लोग हैं। मैं यहाँ पे आया था, निकल रहा था, इन्होंने मुझे चाय ऑफर करी। अफगानिस्तान के लोगों की हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी है ना, अगर उनको पता चलेगा कि आप मेहमान हो तो चाय के लिए कम से कम ऑफर करेंगे। मैं अभी मार्केट में आया, मुझे हुआ है तकरीबन 20 मिनट और दो चाय पी चुका हूँ मैं, इतने अच्छे लोग हैं, जहाँ मिल रहे सिर्फ चाय। दुबे का खाना इधर हम लोग खाएंगे, हमारा साथ खाना खाओ। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। अभी हम लोग बात कर रहे थे चाय की, और भाईजान ने कंधार का बांजान खाओ। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत बहुत अच्छा लगा। तिशिकर मनाना। नासिर भाई चाय हो गई? चलो भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तो भाई निकल गए अब सारी मार्केट से, और इतना यूनिक और इतना अलग एक्सपीरियंस हो, और जहाँ जाओ प्यार बड़ा मिलता है भाई, यहाँ पर प्यार इतना मिलता है, लोग जमा हो जाते हैं,
पूछते हैं कहाँ से हो, इंडिया से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि भाई इंडियन मूवीज बहुत देखते हैं और वहाँ का कल्चर बड़ा पसंद है लोगों को, जैसे कि आप लोगों ने सुना। और चाहे तालिबान के थे लेकिन उनको पिक्चर बड़ी पसंद है बॉलीवुड की, उन्होंने कहा भी भाई। और बोलते बॉलीवुड के सारे एक्टर्स पसंद, सारे मैं पूछा कौन फेवरेट, तो बोले सारे के सारे अच्छे। तो बड़ा यूनिक और बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। तो चलते हैं देखते हैं और क्या एक्सपीरियंस करने मिलता है। अफगानिस्तान की सबसे फेमस चीज यहाँ की रोटी, जो आपको हर मार्केट हर जगह देखने मिलेगी। तो यहाँ सारी सीन भीड़ लग गई है। तो देखिए यहाँ सारा सीन, पूरी मार्केट जमा हो गई थी तो हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई, भीड़ लग गई है पूरी। और पूरी लाइन से गन की दुकान है, आप देख सकते हो यहाँ यहाँ इसके पीछे उधर। तो हम चलते हैं भाई, सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। तो अब हम आ गए वहाँ मार्केट छोड़ के, क्योंकि भाई वहाँ बहुत सारी भीड़ जमा हो गई थी तो वहाँ रुकना अच्छा नहीं था। तो भाई उस मार्केट से निकल गए भाई, वो मार्केट से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि सारे लोग का अटेंशन भाई हमारी तरफ ही आ गया था, सब हमको ही देख रहे थे। तो यार थोड़ा सा अजीब सा लगने लगा, भीड़ बहुत ज़्यादा लग गई थी तो हमको वहाँ से निकलना पड़ा। और भाई जो एक्सपीरियंस हुआ मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब ये पहली बार मैंने ऐसा देखा इतनी मार्केट में, नॉर्मल मार्केट में गन मिल रही है भाई, मार्केट में गन, मार्केट में फ्रूट मिलता है, सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन पहली बार ऐसा देखे कि भाई मार्केट में गन दिख रही है। तो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस हुआ और भाई मेरे हिसाब से सिर्फ अफगानिस्तान में ही हो सकता था एक्सपीरियंस, और दुनिया में तो देखने कहीं नहीं मिलेगा। तो यार बड़ा क्रेजी और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, वहाँ से निकलना पड़ा, लोग जमा हो गए, लोग अच्छे हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सेफ्टी की वजह से भाई वहाँ रुक नहीं सकते थे तो हम वहाँ से निकल गए। तो ये सारा कुछ था भाई गन मार्केट अफगानिस्तान की भाई, और ये सिर्फ कंधार में नहीं, बहुत सारी अफगानिस्तान के शहरों में देखने मिलेगा, जैसे कि हेरात में भी मार्केट है गन मार्केट, और कंधार में, और थोड़ी दो चार सिटी और में और भी है अफगानिस्तान की जहाँ गन मार्केट है। तो ये सारा कुछ एक्सपीरियंस था भाई गन मार्केट का, और ये थी गन मार्केट अफगानिस्तान की। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं भाई।